बहुत दिनों के लिए भूली जाती। बहुत साल पहले एक बहुत भयानक राक्षस था, उसका नाम था महिषासुर। क्या नाम था? महिषासुर। वो बहुत खतरनाक राक्षस था, उसने सारे देवताओं का जीना हराम कर दिया था। ठीक है, फिर एक दिन उसने इतनी तपस्या की कि भगवान विष्णु से, भगवान ब्रह्मा जी से उसने आशीर्वाद ले लिया कि मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊं और मुझे कोई मार ना पाए। फिर ब्रह्मा जी ने उसे क्या किया? आशीर्वाद दे दिया। फिर महिषासुर ने क्या किया कि सारे देवताओं को परेशान कर दिया अपने ताकत से। उसने सबका जीना हराम कर दिया, सारे गलत कामों को करने लगा। सारे देवता दुखी होकर किसके पास गए? भगवान शंकर के पास गए, भगवान विष्णु के पास गए और भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। सारे देवताओं ने मिलकर अपने शरीर से एक तेज निकाला। क्या निकाला? उस तेज से माँ दुर्गा का निर्माण हुआ, माँ दुर्गा बन गई। फिर सारे देवताओं ने अपने अपने शस्त्र को माँ दुर्गा को दे दिए। जैसे विष्णु भगवान चक्र चलाते हैं ना, उन्होंने एक चक्र माँ दुर्गा को दिया। शंकर भगवान त्रिशूल चलाते हैं, उन्होंने अपना एक त्रिशूल माँ दुर्गा को दिया। विष्णु भगवान ने कमल, इसी तरह सारे देवताओं ने अपने अपने अस्त्र माँ दुर्गा को दिया। क्यों दिया? ताकि वो शक्तिशाली बन जाए और महिषासुर को मार दे। हाँ, फिर माँ दुर्गा ने महिषासुर के साथ युद्ध किया। बेटा, नौ दिनों के लिए माँ दुर्गा और महिषासुर में बहुत लड़ाई हुई, दशा अंत कर दिया। इसलिए हम लोग नौ दिन के लिए माँ दुर्गा को शक्ति के रूप में पूजते हैं। अपने अपने घरों में माँ दुर्गा को पूजा जाता है। माँ दुर्गा को हम इसलिए नौ दिनों के लिए अपने घर में बुलाते हैं शक्ति के रूप में, और दसवें दिन क्या करते हैं? उन्हें विदा कर देते हैं। ठीक है।